बच्चों वेलकम बैक आप सिस्टम टीम पे। टॉपर के कैसे नोट्स बनाते हैं कि उनका इतना नंबर आ जाता है, हमारा कोई नंबर नहीं आ पाता। बहुत सारी दिक्कतें होती है, झेलते भैया हम, और टॉपर एकदम क्लास में दम मचा रहा होता है। आज उसकी जड़ को आपको बता देंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। थोड़ा वीडियो में रुक जाओ और चीज़ों को पकड़ लो, मत लो, पी लो, उसके बाद चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे टॉपर नोट्स कैसे बनाता है, तो उसको फॉलो करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी बात, आप अपनी कॉपी को ध्यान से देखिए, ठीक है। अपनी कॉपी को ध्यान से देखिए, ये आपकी कॉपी होती है, क्या होती है, कॉपी होती है। कॉपी में एक ऐसे पॉइंट बना रहता है, इधर साइड में ऐसे बना रहता है कुछ करके ऐसे। उसके बाद इधर आपकी ऐसे लाइन होती है, ऐसे लाइनिंग होती है ऐसे कॉपी की, ठीक है, लाइनिंग होती है, बढ़िया बात है। उसके ऊपर एक लाइन ऐसे और बनी रहती है, ये वाली चीज़ जहाँ पे, यहाँ पे कुछ डेट वगैरह रहता है, डेट, ठीक है। और फिर एक नीचे लाइन रहती है जहाँ पे कुछ रहता है, ये आपकी कॉपी होती है, क्या होती है, कॉपी होती है। ऐसी कॉपी आपकी भी होती है और ऐसी कॉपी टॉपर की होती है। टॉपर उसे कहते हैं जो हर एक सवाल का जवाब दे पाए, क्लास में उसका माइंड बढ़िया से चले, और जब उससे कोई चीज़ पूछा जाए तो उसे धड़ा से एकदम बढ़िया से एकदम सारी चीज़ों को वो समझा पाए, उसी को बोलते हैं क्या, टॉपर। और उसके नंबर जो है, मार्क्स जो है, वो बहुत बढ़िया से आए, उसी को बोलते हैं टॉपर। टॉपर आप भी हो सकते हैं, साधारण से असाधारण आप भी हो सकते हैं, बट आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब वो कौन सी चीज़ें करनी पड़ेंगी, सबसे पहले मैं बात करूँ तो कॉपी का कई पार्ट होता है, पार्ट ओवर इसको बोलते हैं। और इधर अगर हम एक लाइन और खींच लें इधर एक, तो इसको हम पार्ट टू बोलते हैं, पार्ट टू बोलते हैं, इसको पार्ट थ्री बोलते हैं। और ये वाला जो होता है पार्ट फोर होता है, ठीक है। चार पार्ट होते हैं कॉपी के, ठीक है। कितने पार्ट होते हैं, चार पार्ट होते हैं। जो पार्ट वन होता है, जो ऊपरी भाग होता है, वहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखते हैं। जैसे टीचर जो पढ़ा रहा होता है तो वो बोलता है भाई बच्चों ऐसा है कि ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, बार बार आता है, और ये इम्पॉर्टेंट है, तो उस चीज़ को हमें सबसे ऊपर वाले लाइन में इम्पॉर्टेंट करके लिख लेना है छोटे से पेन या पेंसिल से, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्ट वन। पार्ट टू जो होता है वो रफ करने के लिए होता है, ठीक है। मान लो कोई सवाल आपको क्लास में, मान लो कोई चीज़ पढ़ाया, मान लो दिया एक्स प्लस टू इक्वल टू फोर। अब क्या करेंगे, आप इसमें लिखेंगे एक्स इक्वल टू फोर माइनस टू और ये आंसर आएगा इसका टू। तो ये आप इसमें रफ वाले काम में करेंगे, और मान लो आपका गलत हो जाता है तो आप इसको पूरा घुचाड़ेंगे नहीं, इसको आप सीधा ऐसे सिंपली काट देंगे। तो इससे क्या होगा, गलतियों से हम सीखते हैं और गलतियाँ हम अपनी छिपाते हैं, इस वजह से हम टॉपर से लूजर हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो हम रफ कार्य को कहाँ पे करेंगे, पार्ट टू में करेंगे, पार्ट टू का इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट वन में करेंगे। अब बात करते हैं पार्ट थ्री क्या है। पार्ट थ्री में हम लोग समरी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समरी लिखेंगे। मान लो यहाँ पे हमें पढ़ाया गया था, मान लो हम मैथ की बात करें, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, या फिर अलजेब्रा, या फिर कोई लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल, सारी चीज़ें जो उस पेज का निचोड़ है उसमें एक एक वर्ड में लिख लेंगे। इवन नंबर पढ़ाया गया था, ऑड नंबर पढ़ाया गया था, प्राइम नंबर पढ़ाया गया था, अलजेब्रा पढ़ाया गया था, कैलकुलस पढ़ाया गया था, इंटीग्रेशन पढ़ाया गया, डिफरेंस, ये सारी चीज़ें हम पार्ट थ्री यानी समरी में लिख देंगे। और जब रिवीजन कर रहे होंगे तो हमें सारा चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम पार्ट वन देखेंगे और पार्ट थ्री देखेंगे और सीधा मेन वर्क देख के बस भाग जाएंगे। रिवीजन करने का सबसे शॉर्ट तरीका है, ऐसे टॉपर रिवीजन करता है और आप पूरा कॉपी लेके पंतरा बैठ जाते हैं और आपको नींद आने लगती है और आप सो जाते हैं, फिर आपको कुछ नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये हुआ आपका पार्ट थ्री की बात। अब पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री और पार्ट फोर क्या है। पार्ट फोर जो है वो मेन वर्क के लिए है। मेन वर्क का मतलब उसमें आपको नोट्स बनाना है, बढ़िया से लिखना है, अपने दो तीन पेन का यूज करना है, तो वो आपका पार्ट फोर जो है वो मेन वर्क है। आप इसी कॉपी को ऐसे बनाएं और जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक इसी नोट्स पे फॉलो करें। यहाँ पे लिखे मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूँ कि जब तक मेरा एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक मैं इसी नोट्स को पढ़ता रहूँगा। ये अपने आप से प्रॉमिस करो, और मैं गारंटी लेता हूँ, 125% की गारंटी लेता हूँ कि आपके, जाहिर से बात है, आपके नंबर बढ़ेंगे और आप भी एक टॉपर कैटेगरी, मतलब टॉपर लिस्ट में जरूर आएंगे, ठीक है। 1 से 10 के बीच में आप दूसरे नंबर पे या पहले नंबर पे आ सकते हैं, बट आप खुद पे बिलीव रखिए और ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं इसको करो,
ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 करके लिखो, या फिर हेडिंग डालो, यहाँ पे मेन वर्क करो, यहाँ पार्ट 1 में इंपॉर्टेंट चीजें नोट करो, ये आपको रिवीजन करने में ज़्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है, रफ वर्क करो बगल में, टीचर बार बार बताता है लेकिन आप टीचर को ना मान के पीछे जाके सबसे पीछे वाले पेज में रफ करते हैं, आपको पता होगा मैं गलत चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, इसलिए ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बहुत सारी जानकारी आपको यहीं पर मिलेगी, डोंट वरी।